हेलो हाय नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टोरियां बाय आरती। और मेरी शादी के व्लॉग्स की शुरुआत हो चुकी है। ये है पहला व्लॉग और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। अभी मेरी मेहंदी को कुछ ही घंटे बचे हैं एंड मैं पूरा ओवरलोडेड हूँ इमोशंस के साथ। तो जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो आपके लिए इस व्लॉग में डाल दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगे, देखते रहिए। क्या लगानी है आज मां? मेहंदी मेहंदी आंकड़ी मेहंदी मेहंदी तो क्या इतना रोना आ रहा था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। एनीवेज ये है मेरी ओओटीटी। रुको मैं आपको थोड़ा ढंग के फ़ोन रख के दिखाती हूँ। ये है जी मेरी ड्रेस। नीचे चल रही हैं तैयारियाँ, ऊपर मैं तैयार हो रही हूँ, बाकी सब लोग नीचे हैं। बाय द वे इट वाज 3rd of December, बहुत ठंड थी लेकिन क्या करें, दुल्हन को तो मैनेज करना ही पड़ता है। ये है जी वेन्यू। घर पे हमने मेहंदी का फंक्शन कर लिया था और ये सारी डेकोरेशन मेरी बहन ने की है। ये मेरी मेहंदी आर्टिस्ट है। हाँ, मैंने कोई किसी प्रोफेशनल को नहीं बुलाया था, ये जो लड़की है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने ही रेकमेंड की थी। तो ये देखो मेरी बहन ने अच्छे से सब कुछ सजा दिया है। छोटा सा फंक्शन था लेकिन सब कुछ बहुत परफेक्टली अरेंज किया है मेरी सिस्टर ने। और ये मैं हूँ। इस टाइम पे बहुत सारी फीलिंग्स थी, मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और यहाँ पे धाम शुरू हो गई है, मतलब शादी की ऑफिशियली पहली धाम थी ये। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे इस वाली धाम पे, मतलब क्लोज जो फैमिली आसपास वाले लोग सब लोग यहाँ पे मंडियाली धाम खा रहे हैं। और इसके बाद शुरू हो गई जी मेरी मेहंदी। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी शादी घर से हो लेकिन वैसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरे ससुराल दूर हैं, तो हमें मिड पॉइंट पे एक होटल पे अपनी शादी करनी पड़ी। तो इसलिए हमने मेहंदी और हल्दी वाला जो फंक्शन है वो घर पे किया और बारात वाले दिन हम होटल में चले गए। मेहंदी वाला फंक्शन बहुत अच्छा था क्योंकि एक बहुत छोटा सा और बहुत कोजी सा फंक्शन था और इसमें जैसे बहुत क्लोज लोग आए थे। और इस टाइम पे तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सब कुछ सच नहीं है, मैं सपना देख रही हूँ। और जो वैसे रियलाइज़ हो रहा था कि एक्चुअल में हो रहा है, तो बहुत सारी इमोशंस ऐसे इकट्ठे हो रहे थे कि अब फाइनली मेहंदी लग गई थी, मतलब ऑफिशियली जैसे मेरी टिकट कट रही है, मुझे जाना पड़ेगा इस घर से। तो बहुत इमोशनल बट ब्यूटीफुल टाइम होता है। और प्लस जो ये लेडीज़ गाने गाती हैं इससे तो और भी ज़्यादा माहौल इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पे सब मेरे मासी मामी ताई अम्मा जी और गांव के चाची ताई भाभी वगैरह हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको बच्चा, ये गोलू है मेरा भतीजा। शादी में किसी ने एंजॉय किया हो या नहीं किया हो, इसने बहुत इंजॉय किया। मतलब आप इसको देखो, ये ना बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत खुश होता है और बहुत इंजॉय करता है। तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा सेंटी हो गए थे तो अपनी सैडनेस छुपाने के लिए बेबी को बुला रहे हैं पास में।
तो हाँ आप इसमें बेबी को देखो कितना एंजॉय करता है। यहाँ पे रात के बज रहे थे 12 और अभी तक मेरा सिर्फ एक हाथ ही डन हुआ था। ये बहुत प्यार से काम करती है और बहुत डिटेल काम करती है। रात के तकरीबन 2 बजे का सीन है जब फाइनली मेरी मेहंदी ऑलमोस्ट डन होने वाली थी। यहाँ पे इनका नाम भी लिखा है, होप आपको दिखा हो। और बस इस टाइम पे सब जा चुके हैं और मैं इतना ही रिकॉर्ड भी कर पाई, तो इस वीडियो के लिए यही थी मेरी मेहंदी। अब नेक्स्ट व्लॉग में डाल रही हूँ अपनी हल्दी का। तो आई होप आपको ये वाला अच्छा लगा हो और आई होप आप इससे अगले वाला भी देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।